तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? हम ठीक हैं, तो ठीक होंगे। तो दोस्तों फाइनली आज हमारे पास आ चुकी है 2024 की लेटेस्ट मॉडल बजाज की पल्सर NS125, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो गाइस आज हम इसी बाइक के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि बजाज की तरफ से 2024 में इस बाइक की जो कीमत है ना, बहुत ही ज़्यादा कम हो चुकी है, क्योंकि इस बाइक की जो कीमत है ना, पहले से 8,000 रुपये डाउन हो चुकी है 2024 में। तो गाइस आज हम जानेंगे कि NS125 में कीमत के साथ साथ इसमें आपको 2024 में आपको क्या नए बदलाव देखने मिलते हैं, क्या नई प्राइस देखने मिलती है, और साथ ही साथ क्या नए फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं बिंग टेक्नो। दोस्तों वीडियो चलेगा, मैं तो चलेगा, तो प्लीज अपने प्रति लाइक जरूर दीजिएगा। तो चलेगा शुरू करते हैं, और सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इस बाइक के लुक्स वाइज, तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे इस बाइक का जो लुक है ना, वही सेम आपको पहले वाला रखा गया है, क्योंकि जो NS के लवर है ना, उनको यही लुक काफी पसंद आता है। तो यहाँ पे देखेंगे ब्लू कलर में ये बाइक देखने मिलती है, ब्लू एंड ब्लैक कलर में, डुअल टोन में, जो की काफी प्यारी लगती है देखने में। यहाँ पे देखिए पल्सर का 3D नंबर लोगो मिल जाता है, यहाँ पे आपको NS125 का स्टिकर देखने को मिल जाता है। इसमें आप देखेंगे तो इसमें आपको अभी भी आपको स्टार्टिंग के लिए किक और सेल दोनों सुविधा देखने को मिल जाती है। तो गाइस लुक्स वाइज जो है ना, बाइक अभी वही सेम रखी गई है, लुक्स में आपको कोई चेंज देखने को नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, अगर हम बात करते हैं इसके सबसे पहले और सबसे बड़े बदलाव के बारे में, जो कि इसके प्राइस में देखने को मिलती है। तो गाइस जिन लोगों को NS125 पसंद है लेकिन उसकी कीमत को लेकर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ले कि न ले, तो अब इसकी जो कीमत है ना, पहले से 8,000 रुपए डाउन हो चुकी है 2024 में। तो गाइस अब इस बाइक की जो ऑन रोड प्राइस निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है 1,23,000 रुपए ऑन रोड प्राइस यूपी वाराणसी की। तो गाइस अब आप लोग बताना कि इस कीमत के साथ अब आप लोग NS125 के साथ जाना पसंद करेंगे या फिर नहीं जाना पसंद करेंगे। तो गाइस ये तो हो गए इसके प्राइस की बात, अब बात करते हैं फीचर्सफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले फ्रंट में आते हैं, सबसे पहले यहाँ पे देखिए इसमें आपको वाइजर देखने को मिल जाता है छोटा सा, जो कि थोड़ा सा प्यारा लगता है देखने में पहले के मुकाबले में। साइड इंडिकेटर वही सेम आपको बल्ब देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी ठीक ठाक देखने को मिल जाती है। लेकिन हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे आपको दो पायलट लैंप मिल जाते हैं, लेकिन हाँ इसका जो हेडलैम्प है ना, वही सेम आपको हाइलोजन बल्ब देखने को मिलती है, जो कि आप लोग यहाँ पे गौर करेंगे तो 35x35 वाट का हाइलोजन बल्ब देखने को मिल जाती है। तो हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि अब इसमें LED हेडलैम्प देखने को मिलेगा 2024 में, लेकिन नहीं, इसमें अभी भी वही सेम आपको हाइलोजन बल्ब देखने को मिल जाता है। तो आप लोग बताना कि आप लोग को हाइलोजन बल्ब अच्छा लगता है या फिर कहते हैं LED हेडलैम्प अच्छी लगती है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर हम आते हैं इसके फ्रंट से, तो यहाँ पे देखेंगे फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाती है। इसका जो फ्रंट मिरर मिलेगा थोड़ा सा मैट फिनिश के साथ मिल जाता है, जो कि कार्बन ग्राफिक्स के साथ देखने को मिल रही है। और यहाँ पे देखिए रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है, और इसका जो फ्रंट ब्रेक मिलेगा वॉक मिलता है 240mm का डिस्क ब्रेक का सपोर्ट मिल जाता है। फ्रंट टायर जो मिलेगा वो आप देख पा रहे होंगे 80/100 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिलती है अलावल के साथ। अलावल जो मिलता है ना, ये मुझे काफी प्यारा लगता है देखने में इस बाइक में। तो आप लोग बताना कि इसका जो अलावल है आप लोग कैसी लगती है देखने में। टायर साइज जो है, जो ब्रेकिंग सिस्टम है ना, वही सेम आपको पहले वाला देखने को मिल जाती है। और अगर हम आते हैं इसके साइड प्रोफाइल से, तो यहाँ पे देखेंगे इस साइड से इसका जो लुक है ना, कुछ ऐसा देखने को मिलता है। तो गाइस ब्लैक एंड ब्लू कलर के साथ इस बाइक का जो लुक है ना, आप लोग कैसा लग रहा है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर हम आते हैं इसके हैंडल बार पे, तो गाइस यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले इसका जो हैंडल बार मिलता है ना, आपको क्लिप ऑन हैंडल बार मिल जाता है, जो कि काफी स्पोर्टी लुक मिलती है। और साथ ही साथ इसमें आपको क्लिप ऑन हैंडल बार होने की वजह से इसमें आपको जो राइडिंग पोस्चर मिलता है ना, काफी स्पोर्टी देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे देखेंगे लेफ्ट हैंडल बार पे लो बीम हाई बीम पासिंग स्विच साइड इंडिकेटर हॉर्न स्विच देखने मिल जाता है। स्लीपर क्लच नहीं मिलता है इसमें, आपको नॉर्मल क्लच मिल जाता है। और यहाँ पे आपको साइड मिरर लग जाएगा। राइट हैंडल बार पे आपको इसमें आपको इंजन क्लच देखने मिल जाती है, सेल्फ स्टार्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाती है। और अगर हम आते हैं इसके मीटर कंसोल के ऊपर, तो गाइस यहाँ पे आप लोग एक चीज गौर करेंगे, तो इसका जो मीटर कंसोल है ना, वही सेम आपको पहले वाला देखने मिल जाता है, जिसमें आप देखेंगे थे सेमी डिस्टल मीटर कंसोल मिलती है। यहाँ पे आपको स्पीड मीटर को एनालॉग मिल जाता है, बाकी सब कुछ आपको छोटे से डिस्प्ले में देखने को मिल जाती है, जिसमें आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ओडोमीटर ट्रिप है, ट्रिप है ट्रिप भी IFE देखने को मिल जाती है, किलोमीटर टाइम देखने को मिल जाता है, और बाकी चीजें जो है ना, वही सिमिलर रखी गई है। तो मीटर कंसोल में आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलती है। तो गाइज अब आप लोग बताना कि ये जो मीटर कंसोल का जो डिजाइन मिल रहा है ना पहले वाला, ये आप लोग कैसा लग रहा है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसका जो फ्रंट से इसका जो लुक निकल के आता है ना, कुछ इस टाइम मिल जाता है राइडिंग करते समय, तो आप लोग बताना कि इसका जो राइडिंग स्टाइल है ना, ये आप लोग को फ्रंट से कैसी देखने को मिल जाती है। और अगर हम बात करते हैं इसके फ्यूल टैंक के बारे में, तो गाइज यहाँ पे देखेंगे फ्यूल टैंक के ऊपर आप देख सकते हैं 820 का स्टिकर मिल जाता है, दोनों साइड में पल्सर का 3D नंबर लोगो। और यहाँ पे देखेंगे तो टैंक पर देखने को मिल जाती है, जो कि राइडर के लिए काफी हेल्पफुल होता है ग्रिपिंग के लिए। और साइड में आप देख सकते हैं फ्यूल टैंक का काउल देखने को मिल जाता है, जो कि काफी प्यारा लगता है देखने में। इसमें आप देखेंगे 125 का स्टिकर देखने को मिल जाती है, यहाँ पे आपको फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी का स्टिकर देखने को मिल जाता है। और अगर हम बात करते हैं इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में, तो गाइस इस बाइक का जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है ना, वॉक मिलती है 12 लीटर की। और अगर हम आते हैं इसके इंजन के ऊपर, कि इसके इंजन में कोई बदलाव हुए हैं 2024 में या फिर नहीं हुए हैं, तो गाइस आपको एक बात बता दें कि इस बाइक का जो इंजन है ना, वही सेम आपको
124.45 cc का 4 स्ट्रोक 4 वाल्व एयर कूल BS6 फेज 2 इंजन मिल जाता है, जो कि आपको DTSI BS6 फेज 2 इंजन देखने को मिल जाती है। मैक्स पावर जो मिलेगा वो मिलता है 8.82 किलोवाट का 8500 rpm, इसका जो मैक्स टॉर्क मिलेगा वो मिलता है 1100 न्यूटन मीटर का 7000 rpm पे। 5 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाता है, साइड स्टेन में आपको इंजन का टॉप सिस्टम देखने को मिल जाती है, यहाँ पे देखेंगे बजाज का लोगो मिल जाता है और नीचे साइड में देखें तो इंजन काउल देखने को मिल जाती है। तो गाइस जो इंजन है ना वही सेम आपको पहले वाला मिल जाता है और यहाँ पे आप लोग एक चीज करेंगे देखेंगे तो यहाँ पे आपको ग्रिपिंग के लिए ना एक रबर पैड मिलता है, जैसे कि आपकी जो थाई होगी ना यहाँ पे आपकी आके सेट हो जाती है, जो कि काफी अच्छी लगती है देखने में और काफी अच्छे से ग्रिपिंग देखने को मिल जाती है। और अगर हम आते हैं इसके सीट के ऊपर तो गाइस यहाँ पे देखेंगे इस बाइक का जो सीट है ना ये मुझे काफी प्यारा लगता है, क्योंकि इसमें आपको स्प्लिट सीट जरूर मिलती है, लेकिन हाँ इसकी जो कुशनिंग है ना आप लोग यहाँ पे देखेंगे, राइडर सीट देख लीजिए वो भी काफी कंफर्टेबल है, फिलियन राइडर सीट देख लीजिए वो भी आपको काफी कंफर्टेबल देखने को मिल जाती है, लेकिन हाँ यहाँ पे ये जो बम्प वाला उठा है ना इसकी वजह थोड़ा सा पिलर राइडर को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल मिलता है, लेकिन हाँ पुरानी मॉडल जो आती थी उसके कंपेरिजन इसका जो सीट की कुशनिंग है ना काफी बेहतरीन देखने को मिलती है। और यहाँ पे देखेंगे स्प्लिट पिलियन केबल मिल जाती है, साइड में देखिए तो NS125 का स्टिकर मिल जाता है व्हाइट एंड ब्लू कलर में, जो कि इसके लुक को और ज्यादा इनहेंस करती है। और यहाँ पे देखें लो मेंटेनेंस हाफ कवर चेन मिल जाती है, जो कि आपको बोरिंग वाली चेन देखने को मिलती है, इसमें आपको पिलियन फुटेज मिल जाते हैं, लेड फुटेज देखने को नहीं मिलता, आप लोग क्लियर हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं इसके रियर सेक्शन से तो गाइस यहाँ पे देखेंगे रियर टेल लाइट जो मिलते हैं ना वो भी आपको पहले वाली पल्स एक्सेसरी वाली मिलती है, जो कि आपको LED टेल लाइट मिल जाती है। और यहाँ पे देखेंगे टाइडी देखने को मिल जाती है। गाइस मुझे इस बाइक को ये अच्छा लगता है कि जो बाकी मॉडल आती है ना, गाइस मुझे इस बाइक में ये अच्छा लगता है ना कि यहाँ पे बाकियों की तरफ फाइबर नहीं मिलता, यहाँ पे आपको मेटल देखने को मिल जाता है, जैसे कि टल्टाइडी लगाए थे ना उस तरीके से इसका लुक मिलता है, जो कि मुझे काफी प्यारा लगता है। यहाँ पे आपको नंबर प्लेट सेट हो जाएगा, यहाँ पे आपको नंबर प्लेट को विजिबल करने के लिए लाइट देखने को मिल जाती है। इस साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मडगार्ड देखने को मिल जाता है। और अगर हम बात करते हैं इसके रियर सेक्शन से तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो इस बाइक का जो रियर सस्पेंशन मिलता है ये काफी बेहतरीन मिलता है, जो कि आपको मोनो शॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाती है, तो राइडिंग क्वालिटी काफी अच्छी मिलती है। और यहाँ पे देखेंगे जो रियर ब्रेक मिलेगा वॉक मिलता है 130 mm का डंबे का सबन मिल जाता है विद CBS सिस्टम के साथ, यानी कि कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम। और जो रियर टायर मिलता है उसकी बात कर लेते हैं तो गाइस यहाँ पे देखो रियर में आपको मिलता है 100/90 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने मिल जाती है अलावे के साथ। और यहाँ पे अगर आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखेंगे स्टार्टिंग के लिए इसमें आपको अभिविक्की कॉस सेल दोनों सुविधा देखने मिलती है, जो की काफी अच्छी बात है। अब आप लोग बोलेंगे कि ये DTSI इंजन नहीं है, लेकिन आपको बता दें ये अभी भी DTSI इंजन के साथ आती है। तो गाइस ये थे इस बाइक के फीचर स्पेसिफिकेशन जो कि मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं इसके थोड़े से डायमेंशन के बारे में। तो इस बाइक का जो लेंथ मिलेगा वॉक मिलता है 2012 mm का, इसकी जो विड्थ मिलती है वॉक मिलती है 810 mm का, हाइट जो मिलेगा वॉक मिलता है 1078 mm का, इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगी वॉक मिलती है 179 mm का, सैडल हाइट जो मिलेगी वॉक मिलती है 805 mm का, व्हील बेस जो मिलेगा वॉक मिलता है 1353 mm का, कार्बेट जो मिलेगा वॉक मिलता है 144 kg की। तो गाइस ये थे इस बाइक के डायमेंशन इसके फीचर स्पेसिफिकेशन जो कि मैंने आपको बता दिया है। अब फाइनली बात करते हैं कि इसमें आपको 2024 में मेन चेंजेस क्या मिलते हैं। तो इसमें आपको बता दें कि लुक्स वाइज फीचर्स वाइज कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलता है, केवल इसकी जो प्राइस है ना ड्रॉप हो चुकी है। तो अगर आप लोगों को कम कीमत के साथ अच्छे लुक वाली पावरफुल इंजन चाहिए, आप लोग को स्पोर्टी बाइक चाहिए, तो आप लोग इस बाइक के साथ जा सकते हैं। तो गाइस अब आप लोग बताना कि आप लोग को NS125 जो ना आप लोग कैसी लगती है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप लोग को ये बाइक अच्छी लगी वीडियो अच्छी लगी तो अपनी तरफ से एक लाइक जरूर दीजिएगा। तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कुछ नए के साथ कुछ नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए मुस्कुराते अपने हेल्थ कैमरे को करते दिएगा। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत।